जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, सुखी और समृद्धशाली होंगे। दोस्तों, समुद्र मंथन में जितनी वस्तुएं निकली थी उसमें सबसे मुख्य वस्तु निकली थी कामधेनु। और आज हम जानते हैं गाय का महत्व हमारे जीवन में क्या है। जो गाय से दूध प्राप्त होता है उसमें स्वर्ण की मात्रा होती है, और जो गाय का दूध पीता है, आप शायद नहीं जानते, उसको कोई भी बीमारी छू भी नहीं सकती। सारी देवी देवताओं का आशीर्वाद गाय का दूध पीने वालों को मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण ने गोपाल बनकर गौ को चराया था, साथ ही सभी देवताओं का कुछ ना कुछ ऐसा योगदान है। गाय हमेशा हमारे लिए साक्षी रही है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में ऐसा भी कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता गाय में निवास करते हैं। आज मैं गाय के दूध से ही ऐसा छोटा सा उपाय जो आप नित्य प्रतिदिन करते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपको कैसे करना है, आप इस उपाय को पूरा सुने, इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक। आप यदि इस वीडियो को सुन लेते हैं, यदि उपाय नहीं भी करते हैं, तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं वो आपको फायदा देता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब पूजन की जाती है उसकी कथा मात्र ही सुन ली जाए। यदि आप पूजन में नहीं शामिल हो पाए और उसकी कथा ही सुन ली, सत्यनारायण जो सत्यनारायण कथा होती है वह सुन ली, या शिव महापुराण सुन ली, भागवत जी सुन ली, सिर्फ सुनने का ही एक महत्व अलग होता है। वैसे ही जो मैं ये वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, जो उपाय बताती हूँ, आपने किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। कभी कुछ सामग्री आपको उपलब्ध नहीं हो पाई, कभी कुछ समय नहीं मिल पाया, कोई ऐसा कारण बन गया कि आप उपाय नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। यदि आपने सुना भी है तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं आपको वह फायदा दे जाएगा। आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य सुने, हो सकता है कि वह आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाए। और अच्छा लगे तो लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही यदि आपका दोस्त, आपका फ्रेंड या कोई रिश्तेदार परेशानी में है तो आप अवश्य उनके साथ शेयर कीजिए। अच्छी बातें हमेशा फैलानी चाहिए। जितनी अच्छी बातें हम दूसरों के साथ चर्चा करेंगे, दूसरों को बताएंगे, उतना ही पुण्य हमें भी प्राप्त होगा। आप ये अवश्य जानिए और करिए। आज मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ दूध का है, गाय के दूध, स्पेशली गाय के दूध। आपको कोशिश करके गाय का दूध ही लाना है घर में। पहली बात तो यह है, आप सभी जानते हैं कि जब हम शिव जी को, भोलेनाथ को यदि डेली समर्पित करते हैं थोड़ा सा कच्चा दूध, उसका एक अलग ही हमको फायदा मिलता है, अलग ही हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होता है। यदि आप रोजाना नहीं कर पाए तो आपको सोमवार को तो अवश्य करना ही चाहिए। नहीं सोमवार कर पाए, महीने में एक बार करें, जब आपको समय मिले, जब आपको ऐसा लगे कि आप भोलेनाथ के समीप जाना चाहते हैं, आप भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं, आप जाएं मंदिर में, शिवालय में, थोड़ा सा कच्चा दूध ले जाएं, एक लोटा कलश ले जाएं, कलश का जल भर के ले जाएं। आप यदि कच्चे दूध में थोड़ी सी मिश्री या थोड़ी सी शक्कर डाल के ले जाते हैं, शहद डाल के ले जाते हैं, इसका एक 100 गुना आपको अलग फल प्राप्त होता है, चमत्कारिक परिवर्तन होता है आपके जीवन में। कह रहे हैं ना कि थोड़ी सी आपको एक करते हैं, आप हर कार्य हैं, आप रोजाना जीवन में ऐसे बहुत सारे उपाय करते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन थोड़ा यदि विधिवत किया जाए उसका फायदा आपको ज्यादा मिलता है। आप कच्चा दूध समर्पित भी करते होंगे, क्योंकि अभी तो जहां देखो भोलेनाथ की कृपा ही चल रही है। हर व्यक्ति भोलेनाथ के मंदिर जाना चाहता है, उन्हें जल समर्पित करना चाहता है, उन्हें बेलपत्र समर्पित करना चाहता है, साथ ही कच्चा दूध समर्पित करता है। लेकिन यदि आप उसमें थोड़ा सा शहद, शक्कर या मिश्री डालकर ले जाते हैं, एक आप उसको करेंगे वही उपाय, लेकिन आपको एक इसका अलग फल मिलेगा।
आपके जीवन की सारी समस्याएं भोलेनाथ समाप्त कर देंगे। जैसे आपने मीठा जल समर्पित किया है, मीठा दूध समर्पित किया है, वैसे ही आपका जीवन भी मीठा हो जाएगा। साथ ही शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, आप कोशिश कीजिए, आपके घर में भी यदि मंदिर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो है, आप उनके समक्ष थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का होना चाहिए, आप उन्हें भोग में लगाइए, बाद में वह आप स्वयं ग्रहण कर लें, आपके यहाँ बच्चे हैं उनको ग्रहण करा दीजिए। लेकिन आप ऐसा करके देखिए, माँ लक्ष्मी की आपको अथाह प्राप्ति होती है, धन आने के रास्ते आपके आगे खुल जाते हैं। ऐसा कोई रास्ता जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो, वह आपके आगे आ जाता है। यदि कर्ज संबंधी समस्या आपके रहे, आप यह उपाय करेंगे, आप देखना कितना जल्दी आप कर्ज उतारने में सक्षम हो जाते हैं, आप करके देखें। अब मैं वह उपाय बताने जा रही हूं जो खास आज के वीडियो के लिए है। आप एक गिलास दूध आप जितना पीते हैं दिन भर में, कभी भी एक कर सकते हैं, आप जब भी करना चाहें, यदि लेकिन स्नान के बाद सुबह करते हैं ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आप गाय का दूध स्पेशली आप लगा लें, एक जितना आप पी सकते हैं उतना ही दूध लेना है आपको, एक कप लें, एक गिलास लें, कच्चा दूध होना चाहिए। आप यह उपाय यदि प्रतिदिन नहीं करना चाहते तो ना करिए, सोमवार को करेंगे तो भी चलेगा, प्रति सोमवार करें और कोशिश करें कि लगातार कम से कम एक माह दो माह, और इस उपाय को करने में आपको विशेष कुछ करना नहीं है तो ज्यादा समय भी कर सकते हैं, सोमवार की सोमवार आप करें, एक नियम बना लें। आप दूध तो सभी पीते हैं घर में, यदि आप नहीं पीते हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप थोड़ा पिए, एक कप ले लें, उसे कच्चा लेना है आपको, आप उसमें शक्कर डालकर या जिस भी तरीके से आप मीठा करना चाहें मीठा कर लें। दूध कच्चा ही होना चाहिए, गाय का ही होना चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखें। आप अपने, यदि आप महिला हैं तो आप अपने उल्टे हाथ की तर्जनी, और यदि आप पुरुष हैं तो आप सीधे हाथ की तर्जनी उंगली उसमें डालें, और जो मैं ये मंत्र बता रही हूँ, आप 11 बार ये तर्जनी डाल के रखें, अपनी उंगली डाल के रखें और 11 बार इस मंत्र का जाप करें, आप देखेंगे वह दूध अभिमंत्रित हो जाएगा। अब मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ, बाकी का उपाय मैं आपको मंत्र के बाद बताती हूँ। यह मंत्र इस प्रकार है, देवी लक्ष्मी का मंत्र है ये, ओम ह्रीं श्रीं चंद्र मासाय नमः। मैं आपको फिर से एक बार मंत्र बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुने, आप चाहें तो उसको कागज पर उतार लीजिए, जब आप करें अपने समक्ष रखें, और आप 11 बार कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीं श्रीं चंद्र मासाय नमः। आप इस मंत्र को करते हैं क्योंकि कहते हैं दूध चंद्रमा का कारक होता है, और जिसके ग्रह चंद्र ग्रह जिसका बलवान होता है उस पर माँ लक्ष्मी की अटूट कृपा होती है। आप सोमवार के साथ साथ जिस दिन पूर्णिमा तिथि है उस दिन भी आप यह अवश्य उपाय करें, इससे आपका चंद्र ग्रह मजबूत होगा और आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा पूरी तरह प्राप्त होगी। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, दूध आप गाय का लें, दूध कच्चा ही होना चाहिए, आप जिस भी तरीके से उसको मीठा करना चाहें, शक्कर मिश्री या जैसे भी आप मीठा करना चाहें, आप जितना पीना चाहें उतना दूध लीजिए। आप यदि स्नान के बाद करते हैं ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, और आपको यह मंत्र 11 बार बोलना है। आप मंत्र एक कागज पर उतार कर रख लें और बोलें, आप ऐसा कुछ सोमवार करके देखें, सिर्फ 5 सोमवार भी आप करके देखेंगे, आपको 2-3 सोमवार के बाद इसका असर दिखने लगेगा। करना कुछ विशेष नहीं है और फल इसका विशेष ही प्राप्त होना है। आप इस उपाय को ध्यान से सुनकर और जैसा बताया गया है वैसा करें। आप इस साथ में इस उपाय को करते समय आप श्रद्धा और विश्वास का पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि श्रद्धा विश्वास का ही पूरा खेल होता है। हम जो भी बताते हैं वह तंत्र शास्त्र के छोटे छोटे से उपाय होते हैं, लेकिन जब आपके साथ इस उपाय में श्रद्धा और भक्ति जुड़ जाती है, श्रद्धा और विश्वास जुड़ जाता है, वह उपाय 100 गुना बलवान हो जाता है, पूरी तरीके से उसमें बल जुड़ जाता है।
और उसके बाद आपका वह कार्य जो भी कार्य के लिए आप करते हैं पूरा होता है। यदि आप कर्ज से घिरे हुए हैं तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आप करें, इस अभिमंत्रित दूत को सिर्फ कुछ सोमवार पी के देखें, आप देखना इसका क्या आपको इसका बेनिफिट मिलता है आप पर और आपके पूरे परिवार पर। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।